हाय दोस्तों, आज हम देखते हैं COVID-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। मैं आरोग्य सेतु ऐप्स में हम ये करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप को ऑन कर रहा हूँ। इसमें वैक्सीन में जाना है। इसमें हमें एक मोबाइल नंबर डालना है। ओके, इसका एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, वो तुरंत आता है। उनकी कुछ लिमिटेशन टाइम भी है, 10 मिनट के अंदर अगर ये OTP आप नहीं डालते हैं तो ये वैलिड नहीं है। OTP तुरंत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर गलत डालते हैं तो आपका OTP नहीं आएगा। आप थोड़ा ध्यान से मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप OTP डालते हैं तो ये पेज खुल जाता है, सिलेक्ट योर फोटो ID। फ़ोटो आईडी में आपको आधार कार्ड, कितने ऑप्शन में बताता हूँ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, MPR स्मार्ट कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है। मैं इसमें एक आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें फ़ोटो आईडी मतलब जो भी आपने आईडी सिलेक्ट किया है उसका नंबर आपको देना है। मैं आधार कार्ड का एक नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड पे जैसे ही नाम लिखा है वैसे आप नाम यहाँ पे टाइप करिए। ठीक है, ये मेल सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ बर्थ डेट में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है ईयर ऑफ बर्थ, मतलब सिर्फ आपको ईयर लिखना है, पूरी बर्थ डेट नहीं लिखनी है। इसमें ईयर मतलब 1981 है तो वो मैंने डाल दिया है, सिर्फ इतना ही डालना है। उसमें मंथ और डेट नहीं डालना है। ओके, सबमिट। जैसे ही अब हम सबमिट करते हैं ऐसे अपना नाम आ जाएगा। इसमें हम नेम पे सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप एक मोबाइल नंबर पे मिनिमम 4 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके घर के 4 मेंबर, अगर घर के 4 मेंबर हैं तो आप चारों का एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक जैसे ही आप एक शेड्यूल आप करेंगे उसके पीछे दूसरे मेंबर का आधार कार्ड और उसकी डिटेल आ जाएगी नेक्स्ट पेज में। मैंने नाम सिलेक्ट कर दिया है, शेड्यूल वैक्सीन पे क्लिक किया है। पिन कोड मांग रहे हैं, पिन कोड दे देते हैं। एक पिन कोड मैंने डाला है देखने के लिए कि यहाँ पे वैक्सीन सेंटर पे हमें शेड्यूल मिल रहा है कि नहीं। ये 1-5 मतलब 1 मई से ये शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि 1 मई पे तो बहुत रश रहेगा। मैंने इसकी डेट चेंज कर लेनी है। मैं इसे 10 तारीख दे देता हूँ कि 10 तारीख में थोड़ा हमें आराम से सेंटर मिल जाए और उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। वह फ्री वैक्सीन सेंटर पे हम क्लिक कर रहे हैं, पेड पे नहीं कर रहे। नो वैक्सीन सेंटर फाउंड, ऐसा नहीं है कि इन्होंने 2 महीने बाद दिया है, ऐसा नहीं है। इसमें वैक्सीन सेंटर है ही नहीं, अभी दिया ही नहीं है। देखिए, मैं इसे पूरे एक महीने के बाद सेट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ, फिर भी नहीं है। तो आप परेशान ना होए, एक साथ गवर्नमेंट सबके वैक्सीन सेंटर पे, सब वैक्सीन सेंटर पे ये पॉसिबल नहीं है कि सबको वैक्सीन दिया जाए। अभी उन्होंने कुछ लिमिटेड सेंटर को वैक्सीन सेंटर सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो आपको इसके क्लिक हियर टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, वो आप वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। देखिए, वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के दूसरे वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें।